क्राइम जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जितनी भी टीम है वो भी आ बाकी भी जितने लोग हैं वो आ तो श्रद्धांजलि जी वो दें श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम जो कि आयोजित किया है क्राइम जर्नलिस्ट एसोसिएशन जम्मू ने, सबसे पहले तो मैं उनको साधुवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि कोई ना कोई एक्टिविटी एक पत्रकार एक रिपोर्टर अपने चैनल्स के लिए अपने ऑफिसेस के लिए तो करता है, लेकिन अपनी बिरादरी के लिए बड़ा कम वक्त मिलता है, और ख़ासकर ऐसे मौक़ों में जहाँ पर हम कोई ना कोई अपना यानी कि पत्रकार बंधु खोते हैं, तो उसके लिए वक्त निकालना मैं सबसे पहले तो साधुवाद दूंगा क्राइम जर्नलिस्ट एसोसिएशन का, इनके ऑफिस बेयर्स का, और ख़ासकर मेरे अजीज गोविंद चौहान जी, विशाल भारती जी, दीपक जूनियर जी, और इनके साथ जितने भी हैं कौशल शर्मा सभी, और ये राजेश विद्यार्थी जी। ये अगर जीवनी की मैं बात करूं तो मैं उनको पत्रकारिता से पहले का जानता हूं, और बड़े लंबे अवसर तक हम इकट्ठे रहे हैं, और उसका प्लेटफॉर्म था जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन। जब मैं डीएवी कॉलेज से पास आउट होकर आया तो उन दिनों में राजेश विद्यार्थी जी की इलेक्शन चल रही थी कल्चरल सेक्रेटरी की जम्मू यूनिवर्सिटी में। उन्हीं दिनों में मेरी वाकफियत मेरे से सीनियर मेरे बड़े भाई उस समय डेली एक्सेलसियर में थे दिनेश मल्होत्रा जी, वो तब जम्मू यूनिवर्सिटी में थे, और इन सभी महानुभावों को मिलने का इनके साथ बात करने का मौका मिला, और मैं समझता हूँ कि जितना मैं विद्यार्थी जी को जानता हूँ, असल में उनका नाम तो राजेश शर्मा था, लेकिन JJSF में इतने राजेश थे कि कौन से राजेश की बात करते हैं, तो एक दुविधा का केंद्र था। मुझे आज भी याद है हमारे बीच अभी राजेंद्र सिंह जम्वाल साहब पहुँचे नहीं हैं, अजाशत्रु जी मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, राकेश चरगोत्रा जी वो भी वन ऑफ द लीडिंग लॉयर्स हैं बार एसोसिएशन जम्मू में, ये सब JJSF में थे। तो तब बैठे हुए इन्होंने बात की कि आपको एक तखल्लुस दिया जाता है तो विद्यार्थी, तो तब से लेके तब शायद विद्यार्थी जी ने भी ये सोचा नहीं था कि एक वक्त आएगा कि वो राजेश विद्यार्थी जो कि कल्चरल सेक्रेटरी थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में JJSF में स्टूडेंट्स के लिए छात्रों के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा सोच रहती थी कि वो एक ऐसी छाप जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता में छोड़ेंगे कि विद्यार्थी का मतलब उनका चेहरा जो है सबके सामने आ जाता था। और पत्रकारिता की बात करें उम्र में मेरे से थोड़े बड़े थे, लेकिन पत्रकारिता में कुछ साल पहले उनसे मैं आया, और मेरा अपना मानना है कि वो कभी भी नहीं उन्होंने सोचा था कि वो एक ना सिर्फ एक पत्रकार बनेंगे लेकिन पत्रकारिता में और ख़ासकर क्राइम रिपोर्टिंग में एक अपनी अनूठी छाप जो है वो छोड़ेंगे। हम सबको भी दिल में एक दुख है कि इतनी कम उम्र में वो हमसे दूर हुए। खबरें लगी मेरे भाई तब ये भी